डीसीपी वेस्ट स्वाट टीम और थाना नवाबगंज पुलिस की भोर के वक्त लुटेरों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस ने जावेद नाम के लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं लुटेरे का साथी राहुल गौतम अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस ने महज 2 घंटों में गिरफ्तारी कर ली। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी वेस्ट बीवी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि जावेद के गैंग में 5 सदस्य हैं। ये सभी पहले रेकी करते हैं, फिर उन लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिनके पास कैश मौजूद है। इन लुटेरों ने 3 दिन पूर्व शराब ठेके के कैशियर से 2,36,000 रुपए की लूट की थी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पुलिस ने 60,000 नगद समेत तमंचा, बाइक व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अब गैंग के फरार आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। देखिए 13 तारीख रात को करीब 10:30 बजे नवाबगंज क्षेत्र में जो शराब दुकान के सेल्समैन हैं उनसे जो लूट की घटना हुई थी, उस घटना में आपको विदित है कि सुबह एक सटीक मुखबिर की सटीक सूचना पर हमारे एक शातिर उसी एक लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसी संबंध में वो घायल हुआ और उसका इलाज चल रहा है, और उसका जो साथी इसका जो घायल हुआ उसका नाम है जावेद उर्फ कलवा उर्फ समीर, और उनका साथी जो है उस समय पे जो अंधेरे का जो फ़ायदा उठाते हुए भागा है। उसके बाद कुछ इनपुट के उपरांत हम लोगों ने करीब 2-3 घंटे के बाद उसको भी पकड़ लिया। उसका नाम है राहुल गौतम, और इनसे एक आदत बाइक, राहुल गौतम जो बाद में पकड़ा गया है, एक आदत बाइक और 10,000 रुपये बरामद हुई है। और सुबह जो मुठभेड़ के समय जो पकड़ा गया, मतलब समय पे जो मिला था मौके पर, आपको विदित है कि एक मॉडिफाइड बाइक, एक थमंचा, एक मिस्ड कारतूस, एक कोका और एक बैग मिली थी जो लूटा गया बैग है, उसमें करीब कुछ कागजात भी मिले हैं और 50,000 रुपये बरामद भी हुए हैं। ये एक ये जो है एक 5 लोगों का एक गिरोह है। इनका नाम है जावेद उर्फ समीर कलवा, दानिश, राहुल गौतम, अंकुर और सलमान। और ये 5 लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये ऐसे नहीं है कि पहले रेकी करते हैं कुछ ऐसे कारोबार जिसमें कैश लेके कहीं अकेले कोई निकलता हो, ऐसा कोई पहले रेकी कर लेते, फिर ऐसे झांसा देते हैं कि बीच रास्ते में कभी रोड पे जाते हुए ओवरटेक के बहाने ओवरटेक करते हैं और उनसे एक झगड़ा शुरू करते हैं कि आपने वहाँ पे मुझे ऐसा कहा या ऐसा कुछ, आपने ऐसा इस तरह कुछ कहा, और फिर उसी समय पे तुरंत उनको कहीं उनके हाथ में जो भी है उससे मार के जो भी उनके हाथ में बैग या पैसे है उसको खींच के निकल जाता है। ये इनका रेगुलर मोडस ऑपरेंडी है, और ये हमला करके फिर बैग जो भी उनके पास है वो छीन के निकल जाते हैं। और जो भी अभी कानपुर शहर में या कहीं अन्य जगह पे ऐसे कोई इस मॉडल ऑपरेटिव के जो लूट हुए हो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इनका कोई संलिप्तता पाया जाएगा तो वो तथ्य जो भी सामने आएगा आपको बताया जाएंगे। बाकी अन्य के ऊपर भी हमारा पूरा टीम्स काम कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके सभी को हम लोग बरामद कर रहे हैं। हाँ, ये जावेद उर्फ समीर और उर्फ कलवा जो है इनके ऊपर करीब 4 मुकदमा नवाबगंज में है, और राहुल गौतम के ऊपर भी 3 मुकदमे नवाबगंज में है। इसके अलावा कुछ हमें अभी पूछताछ के लिए